हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यू जो फ्रेम किए गए हैं 24 और 25 नवंबर के करंट अफेयर से। इस लेक्चर के पीडीएफ मिल जाएगा आपको मेरे इस फेसबुक पेज पर और आप मुझे सेशन भेज सकते हैं मेरे इस ईमेल आईडी पर। दोस्तों, हमने एसएससी के लिए, बैंक के लिए और जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए अपने पेंडर कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। आप इन कोर्सेज को ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के, या आप हमें इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। चलिए अब दोस्तों आते हैं अपने पहले सवाल पर। पहला सवाल हमने फ्रेम किया है नेशनल एंथम से, एफआईआर अगेंस्ट स्टूडेंट्स फॉर डिसरिस्पेक्टिंग एंथम। तो पहले देखेंगे कि हम लोग कि हमारा एंथम क्या है, ये कब अडॉप्ट किया गया था। फिर हम देखेंगे कि हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं और कौन सा लॉ है उनके लिए। तो हम लोग सवाल देखते हैं पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात, हमारा नेशनल एंथम क्या है? हमारा नेशनल एंथम है जनगणमन, जो कि ओरिजिनली बंगाली में कंपोज किया गया था। किनके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। दोस्तों, इनके एक भाई हैं जो कि एक मशहूर पेंटर हैं, आपको उनका नाम बताना है। दोस्तों, हमारा जो नेशनल एंथम था जो ओरिजिनल था वो बंगाली में था, मगर इसका जो हिंदी वर्जन था उसको हमने अपने नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया। किन्होंने अडॉप्ट किया? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था, हमारा जो संविधान सभा था, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। कब किया अडॉप्ट? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसे पहली बार गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में। कब? 27 दिसंबर 1911 को। दोस्तों, 1911 में कुछ इवेंट्स और हुए थे। अच्छा, आपसे मैं दो सवाल और पूछता हूँ। आप ये बताइए कि हमारा जो बंगाल था उसका पार्टीशन कब किया गया था, ईयर का नाम बताइए, और उसके पार्टीशन करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। अब दोस्तों, जब पार्टीशन हुई तो कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद इसे दोबारा यूनिफाई भी कर दिया गया था। वो साल कौन सा था आपको ये बताना है जब इसका यूनिफिकेशन हुआ। दोस्तों, जो कारण था बंगाल को पार्टीशन करने का, उसका एक मकसद ये था कि हमें बंगाल को, जो अंग्रेज थे उन्हें बंगाल को कमज़ोर करना था, क्योंकि जो बंगाल था वो पहले जो हमारे जो नेशनलिस्ट थे उनका एक हब हुआ करता था। तो जो बाद के जो ब्रिटिश हुए उन्होंने अपने इस मकसद को काफ़ी आसानी से अचीव कर लिया। उन्होंने क्या किया? हमारी राजधानी पहले थी कलकत्ता, उन्होंने राजधानी को कलकत्ता से उठा करके दिल्ली शिफ्ट कर दिया, समझ रहे हैं? तो इससे क्या हुआ, जो कलकत्ता का जो इम्पोर्टेंस था वो ख़त्म हो गया। जो बातें वो बंगाल को पार्टीशन करके अचीव करना चाहते थे वो उन्होंने इस राजधानी को शिफ्ट करके बिना किसी खून खराबे के उन्होंने अचीव कर लिया। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो सवाल देख रहे थे वो वाला, इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिफोर इंडिपेंडेंस। क्या बात सही है, इसे 1950 में अडॉप्ट किया गया था। हम लोग आज़ाद कब हुए थे? आज़ाद हुए थे हम लोग 1947 में। तो मेरा पहला क्या है? पहला गलत है। अगर मैं कहता कि इट वॉज अडॉप्टेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस तो ये बात सही होती, समझते हैं? इट वॉज फर्स्ट संग एट द कलकत्ता सेशन इन 1911। ये तो मैंने आपको बताया अभी, मेरा सेकंड सही है। मेरा आंसर क्या है दोस्तों? बी टू ओनली इज करेक्ट। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटेक्टेड बाय द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट। हमारा जो इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट है 1971 वाला, ये किस किस को प्रोटेक्ट करता है इंसल्ट होने से? नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारा फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, फिर नेशनल एंथम, ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। ऑप्शन सी है फ्लैग और एंथम, ऑप्शन डी है फ्लैग, एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, हमारा जो आर्टिकल 51A है हमारे संविधान का, वो हर नागरिक पर एक संवैधानिक ड्यूटी रखता है, एक जिम्मेदारी रखता है कि हमारे जो कुछ आइडियल्स हैं, हमारे जो नेशनल फ्लैग हैं और जो नेशनल एंथम है उसका वो रिस्पेक्ट करे। दोस्तों, जो इंसल्ट एक्ट है इसका जो सेक्शन 2 है वो ये कहता है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, एंथम है और जो संविधान है, इसे इंसल्ट होने से बचाना है। अगर आप कुछ ऐसे एक्ट करते हैं तो उन्हें
प्रोहिबिट किया है इस एक्ट के अंतर्गत। अच्छा, जो इंसल्ट होगा वो कब माना जाएगा, कब मानेंगे कि आपने नेशनल फ्लैग का इंसल्ट किया है, हमारे एम्बलम का इंसल्ट किया, हमारे जो नेशनल एंथम है उसका इंसल्ट किया है, जब आप इस फ्लैग को पब्लिकली जलाएंगे, म्यूटिलेट करेंगे, उसे डिफेस करेंगे, डिफाइल करेंगे, डिसफिगर करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, आप अगर ऐसे काम करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप उसका इंसल्ट कर रहे हैं। तो मेरा आंसर दोस्तों, मेरा आंसर है यहाँ पर डी, फ्लैग, एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों को प्रोटेक्ट किया गया है इस इंसल्ट एक्ट 1971 के अंतर्गत। अगला सवाल दोस्तों, ये है सवाल करंट अफेयर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर नमामि गंगे प्रोग्राम। दोस्तों इस प्रोग्राम में कई सारे मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट करती हैं, मगर जो नोडल मिनिस्ट्री होता है वो है वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री। मेरा आंसर क्या है दोस्तों, मेरा आंसर है यहाँ पर ए, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अगला, सिटिंग ड्यूरिंग द नेशनल एंथम मीन्स डिसरिस्पेक्ट फॉर द नेशनल एंथम अंडर आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A के अंतर्गत आप पर ये जिम्मेदारी रखी गई है, आपका ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप इस नेशनल, हमारे नेशनल एंथम है उसको आप रिस्पेक्ट करें। मगर अगर आप नेशनल एंथम बजते वक्त अगर आप बैठे रहते हैं तो क्या हम उसे एक डिसरिस्पेक्ट मानेंगे, उसे क्या हम अनादर मानेंगे? नहीं, उसे हम नहीं मानेंगे। ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा गया, किसी लॉ में नहीं लिखा गया, ये हमारे संविधान में भी नहीं लिखा गया। ठीक है, अगर आप कोई विलफुल एक्ट करते हैं उसे इंसल्ट करने के लिए, मतलब अगर आप उसे कुछ वैसा करते हैं तो ये कहा जाएगा कि आपने उसका इंसल्ट किया है, मगर बैठा रहना इंसल्ट नहीं माना जाएगा। मेरा जो सर्शन है वो गलत है। अब देखते हैं रीज़न। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन अंडर आर्टिकल 51A टू रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अब मैंने आपको बताया कौन सा आर्टिकल है, 51A। तो मेरा जो सर्शन है वो गलत है दोस्तों, रीज़न है वो सही है। मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है यहाँ पर डी, A is false but R is true। दोस्तों जब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में समस्या तब होती है जब मेरा assertion और reason दोनों सही हो जाए, समझ रहे हैं? तब आपको पता करना होता है कि जो reason है वो assertion का correct explanation है कि नहीं। काफ़ी लोग इसमें confuse कर जाते हैं। तो चलिए, यह था सवाल। अगला सवाल, विथ रिफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटी आपको दिए गए हैं तीन बातें। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन्स एंड नॉट टू द एलियंस। क्या बात सही है, ये मैंने आपको हाईलाइट किया ताकि आपको पता लग सके ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो केवल सिटीजन पर ही एप्लीकेबल है, किसी फॉरनर को आप नहीं कह सकते कि आप इस ड्यूटी का पालन कीजिए। मेरा पहला सही है। No law has been enacted to enforce any of the fundamental duty। हमारा fundamental duty क्या था कि हमें हमारा जो national anthem है उसे respect करना है, हमारा संविधान है उसे करना है respect, समझ रहे हैं? तो इस fundamental duty के लिए एक law pass किया गया था, insult act 1971, जिसे हमने अभी अभी आपको discuss करके बताया। तो इतना discuss करने के बाद भी अगर आप इसे tick कर देते हैं तो क्या होगा, आप पर पाप लगेगा। ठीक है, मेरा सेकंड है जो गलत है, लॉ इनैक्ट किया गया है। एग्जांपल यही वाला अभी आपको मैंने बताया, समझ रहे हैं? जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 वाज, इट वाज इनैक्टेड टू इन्फोर्स दिस फंडामेंटल ड्यूटी। द ड्यूटी टू रेसिस्ट इनजस्टिस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। क्या बात सही है, नहीं जी, ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता। मेरा आंसर है यहाँ पर ए, वन ऑनली इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ध्यान दीजिए कि अगर आपसे कोई कहे कि जो ड्यूटी टू वोट, ड्यूटी टू पे टैक्स, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है? नहीं जी, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने सजेस्ट किया था कि जो ड्यूटी टू वोट इन अ इलेक्शन, चुनाव में वोट करना एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया जाए, उन्होंने इसको सजेस्ट किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जो टैक्स पे करना है इसको आप एक ड्यूटी बना दीजिए, अगर कोई आपके साथ अन्याय होता है, कोई इनजस्टिस होता है, तो आप उसका प्रतिरोध करेंगे, उसे आप रेसिस्ट करेंगे, इसको भी एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दीजिए। ये सब सजेशन दिया था इस कमीशन ने, समझ रहे हैं? मगर ये काम अभी तक हुआ नहीं, तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अगला सवाल दोस्तों है हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से। सवाल देखिए,
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में, इट एस्टेब्लिशेज अ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। जी हाँ जी, बिल्कुल सही है, मेरा पहला सही है। अच्छा दोस्तों, इस लाइन को लेकर के मैं ऐसा सवाल फ्रेम कर सकता था, विथ रेफरेंस टू चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला लाइन दे देता कि इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी डिस्ट्रिक्ट, क्या बात सही होती? जी हाँ जी, बिल्कुल सही होती, यह हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। दूसरी बात ये कि इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, क्या बात सही होती? बिल्कुल सही होती जी, इस कमेटी को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर बनाया गया है और ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। मेरा आंसर वन भी होता और सेकेंड भी होता। इट एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू डिसाइड वेदर अ जुवेनाइल शुड बी कंसिडर्ड एज एडल्ट, ही शुड बी ट्रीटेड एज एडल्ट। क्या हाई कोर्ट डिसाइड करता है? नहीं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डिसाइड करता है। कौन करता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डिसाइड करता है। मेरा सेकेंड गलत हो गया, हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता। इट हैज़ प्रोविजन्स रिगार्डिंग एडॉप्शन ऑफ द जुवेनाइल्स, ये बात सही है। ये जो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसमें एडॉप्शन के लिए, गोद लेने के लिए भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जो प्रोसीजर है वो दिया गया है। मेरा थर्ड सही है, मेरा आंसर है वन एंड थ्री, यहाँ है मेरा सी आंसर। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होगा, इट विल प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर एडॉप्शन, समझ रहे हैं? तो मेरा सेकंड गलत है, आंसर है सी। अगला सवाल दोस्तों, देखिए ये जो न्यूज आई थी वो दोस्तों आई थी द हिंदू में, तेंदू लीफ ट्रेड राइट्स गिवन टू ग्राम सभा ऑफ सिक्स उड़ीसा विलेज। जो उड़ीसा सरकार है, इन्होंने जो ट्रेडिंग राइट्स है तेंदू लीफ का, इसे एक माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के रूप में डिक्लेयर किया और उसे दे दिया इन ग्राम सभाओं को। तो सवाल ये आता है कि इनमें से कौन कौन सा, अच्छा देखिए यहाँ पर सवाल में ये जो न्यूज आई थी इसमें आया था सेक्शन 3I सी ऑफ द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट, मतलब कि जो फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट है ना, इसके बारे में जो न्यूज़ है वाइट है आई है, तो इस पर हम सवाल कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम लोग इस माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के बारे में सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स FRA के अंतर्गत? टिम्बर, बम्बू, गम्स एंड रेजिन्स, आइवरी। दोस्तों आइवरी होता है हाथी दांत, ये जो है किसी भी हाथी से उसका हाथी दांत निकालना क्या है, ये इलीगल है, ये तो नहीं होगा, इसे तो आप कर सकते थे एलिमिनेट, है ना? अगर आपने इसे एलिमिनेट कर दिया फोर को, तो क्या होगा? आपने ए काट सकते थे, आप डी काट सकते थे, आपको चुनना होता बी और सी में से। यहाँ टू है, यहाँ टू है, मतलब मैं दो का प्रत्येक तो कन्फर्म हूँ कि बम्बू तो है ही माइनर प्रोडक्ट, है ना? मुझे केवल चेक करना है कि क्या टिम्बर है, क्या गम्स एंड रेजिन्स है। टिम्बर दोस्तों मेजर प्रोडक्ट होता है, ये माइनर नहीं होता। अगर ऐसा होता तो लोग जो टिम्बर होता है, जो पेड़ होते हैं, उसे काट काट कर बेच देते, समझ रहे हैं? मेरा पहला गलत है, टिम्बर नहीं होता, बम्बू होता है और गम्स एंड रेजिन्स होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मेरा आंसर क्या है दोस्तों? सी, टू एंड थ्री आर करेक्ट। तो बाकी बातें यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है। अच्छा दोस्तों, जो तेंदू लीव होता है, जो तेंदू का पत्ता होता है, उसका एक इस्तेमाल होता है, काफ़ी फेमस है, उसका इस्तेमाल किस में होता है, आप ज़रा बताइए हमें। चलिए अगला सवाल दोस्तों है हमारे इस एक्ट पर, फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट। सवाल देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इज़ द नोडल एजेंसी, क्या बात सही है? बिल्कुल गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नहीं है। किसकी बात हो रही है? शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है। तो आप गेस कर सकते थे कि मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो होगा, ये हो सकता है इसका नोडल मिनिस्ट्री, जो कि सही है, यही मिनिस्ट्री इसका नोडल जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है। इट रिकॉग्नाइजेज राइट ऑफ द ट्राइबल्स ऑन द इंटायर फॉरेस्ट, इंटायर फॉरेस्ट नहीं, जहाँ पर वो रह रहे हैं पुरखों से, केवल उसी को, ठीक है? मेरा क्या दोस्तों? मेरा पहला गलत है, मेरा सेकंड भी गलत है। इंटायर फॉरेस्ट नहीं, केवल वही लैंड, टू लैंड डैट इज बीइंग यूज्ड बाय ट्राइबल्स एज ऑन 13 दिसंबर 2005, जो यूज़ किया जा रहा है, ये नहीं कि पूरा जो जंगल है उस पर आपका दिया उसका दे दिया ओनरशिप, ये नहीं। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एक्सक्लूडेड फॉर द राइट अंडर द एक्ट, क्या एक्सक्लूड किए गए हैं? नहीं, उन्हें भी इंक्लूड किया गया है, वहाँ पर भी राइट्स को रिकॉग्नाइज
किया जाएगा। अगर वहाँ पे ट्राइबल्स रह रहे हैं तो ट्राइबल्स को इन सेंचुरी से, इन पार्क से नहीं निकाला जाएगा। मेरा थर्ड गलत हो गया। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा है जो करेक्ट है। कोई करेक्ट नहीं है। अगर मैं पूछता कि विच ऑफ द एबव आर इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट, मैं क्या करता, मैं सी को आंसर लगाता। समझ रहे हैं, ये है बात दोस्तों। जो ग्राम सभा है, इट इज़ द पिवोटल रोल, इट प्लेस पिवोटल रोल इन इंश्योरिंग द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट डवेलर्स, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉर द ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये बात है, तो बाकी बातें पढ़ लीजिए इसमें से ध्यान से। जब मैं कहता हूँ पढ़ लीजिए तो इसको रोक करके पढ़ लीजिए, इसको बाद के लिए मत छोड़िए, बाद कभी नहीं आएगा। अगला सवाल इसी पर है, इसी एक्ट पर है। द इम्प्लीमेंटेशन, जो मिनिस्ट्री है जो इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है? जी हाँ जी, बिल्कुल सही है, यही मंत्रालय है। द एक्ट सीक्स टू रिकॉग्नाइज बोथ द राइट्स एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन सच फॉरेस्ट। क्या बात सही है? जी हाँ जी, बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया। इट प्रोवाइड्स फॉर डाइवर्जन ऑफ लैंड ओनली विथ द रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा। जब ग्राम सभा रिकमांड कर दे कि ये जो फॉरेस्ट लैंड है इसे दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तभी वो लैंड को डाइवर्ट कर सकते हैं दूसरे काम में। समझ रहे हैं, तो क्या होगा, जो ग्राम सभा है उसका रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए। मेरा थर्ड है जो सही है, मेरा आंसर है डी, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। मैंने देखा मेंशन कर दिया यहाँ पर कि इट प्रोवाइड्स फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा। चलिए दोस्तों, ये तो थी फॉरेस्ट डवेलर्स एक्ट। कभी कभी क्वेश्चन आता है पेसा पर। पेसा क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। इस एक्ट के अंतर्गत जो ग्राम सभा लोकेटेड होंगे शेड्यूल 5 एरिया में, दे आर टू अप्रूव द प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिफोर सच प्रोग्राम्स आर टेकन अप बाय द इम्प्लीमेंटेशन। समझ रहे हैं, अगर कोई प्रोग्राम बनाया गया है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उस एरिया में, कौन से एरिया में, शेड्यूल 5 के एरिया में, समझ रहे हैं, तो उसे पहले ग्राम सभा अप्रूव करेगा, उसके बाद ही इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइए कि जो शेड्यूल 5 है इसके द्वारा किस किस एरिया का होता है एडमिनिस्ट्रेशन, और जो शेड्यूल 6 है इसके द्वारा किस किस एरिया का होता है एडमिनिस्ट्रेशन। आप कहेंगे सर आप बस सवाल पूछते हैं, आप आंसर तो बताते नहीं। दोस्तों, जब आपको सवाल पूछें और आपको ना आए तो इसको आप गूगल सर्च कीजिए, इसके बारे में जो लक्ष्मीकांत की बुक है ना, इसको आप पढ़ डालिए, डालिए जो चैप्टर है वाला, ठीक है, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप जो पढ़ेंगे उसे जल्दी नहीं भूलेंगे, मैं जो बातें बताऊंगा उसे आप भूल सकते हैं। जो चीज़ें आसानी से आती हैं वो आसानी से जाती भी हैं, मगर अगर आप इस नॉलेज को मेहनत करके हासिल करेंगे ना, तो जो मेहनत होगी वो आपके पास रहेगी, आपका जो नॉलेज है वो आपके पास ज़्यादा समय तक रहेगा, ठीक है। तो बाकी जो बातें यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं, ये आर्टिकल दोस्तों आया था PIB में, थोड़ा सा पुराना आर्टिकल है मगर काफ़ी रिलेवेंट है, इससे सवाल आ सकते हैं पेशा पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अगला सवाल, रीचिंग आउट टू नेबर्स, जो आसियान है इसका 50 साल पूरा हो गया। सवाल देखते हैं दोस्तों, ये सवाल आया था UPSC प्रीलिम्स 2009 में। सवाल देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ब्रुनेई, ईस्ट तिमोर, लाओस, इनमें से कौन से हैं जो आसियान का मेंबर हैं, आपको ये बताना है। ब्रुनेई और लाओस ये दोनों आसियान के मेंबर हैं, समझ रहे हैं। तिमोर जो है, जो पूर्वी तिमोर है, ये नहीं है मेंबर। मेरा पहला सही है, मेरा थर्ड सही है, मेरा आंसर है क्या, सी, 1 and 3 ओनली आर करेक्ट। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में, जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में। आसियान में टोटल 10 कंट्री हैं जो इसके मेंबर्स हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 को, 1967 को। तो इसका जो 2017 में क्या हुआ, 50 साल पूरा हो गया। इसको एस्टैब्लिश किया था कहाँ पर, बैंकॉक में। चलिए ये बातें हैं। अच्छा तो ध्यान दीजिए कि जब आसियान को एस्टैब्लिश किया गया था तो उसमें केवल 5 मेंबर्स ही थे, बाकी 5 बाद में आए। ब्रुनेई आया 1984 में, वियतनाम आया 1995 में, लाओस आया और म्यांमार आया 1997 में, कंबोडिया आया 1999 में, समझ रहे हैं। तो
तो अगर आपसे पूछे कि कंबोडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान, क्या होगा? ये बात गलत होगी। कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, म्यांमार, वियतनाम, ये सब बाद में आए, ये फाउंडिंग मेंबर नहीं थे। जो पांच थे वो फाउंडिंग मेंबर थे, कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इस तरह आपको पढ़ना है किसी न्यूज़ को, किसी भी लाइन दिए गए हैं जीएस बुक में उसको। आप एक लाइन पढ़ करके जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं उतनी ज़्यादा निकाल लीजिए। आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बना सकते हैं, समझना है समझ लीजिए, मगर आपको ऐसे पढ़ना है तभी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना जो यूपीएससी होता है वो न्यूज़ जो आते हैं, लाइनें जो होती हैं, उनसे सवाल ऐसे फ्रेम करेगा कि आप चकरा जाएंगे। आप ऐसे पढ़ेंगे तभी ही वो सवाल हो पाएगा। अगला सवाल, रोहिंग्या रिपेट्रिएशन डील साइंड। दोस्तों, जो बांग्लादेश होगा, इट विल रिटर्न 6 लाख मुस्लिम रिफ्यूजी टू म्यांमार। जो डील साइन हुई है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, वो किसके द्वारा ब्रोकर की गई थी? यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इंडिया के द्वारा, चाइना के द्वारा, अमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा? इसे ब्रोकर किया था चाइना में। दोस्तों, प्रीलिम्स में हाल में ही सवाल आया था कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो क्या है। दोस्तों, ये क्या है? ये एक ह्यूमन राइट की बॉडी है, आपको पता होगा, आपने वो सवाल कर लेना वो वाला जाकर के। विथ रेफरेंस टू मोबाइल ऐप दिसारी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का नहीं है भैया, ये राजस्थान का है। मेरा पहला गलत हो गया। इट विल प्रोवाइड फ्री स्टडी मटेरियल्स फॉर यूथ प्रिपेयरिंग फॉर कंपटिटिव एग्जामिनेशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे लिए भी, आपके लिए भी कुछ ना कुछ कर रही है सरकार। ये है, आपके लिए एक ऐप बनाया गया है। मेरा सेकंड सही है। मेरा आंसर क्या है दोस्तों? पहला गलत है, सेकंड सही है। मेरा आंसर है यहाँ पर A1 ओनली इज करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है कौन सा नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट क्या है? सेकंड। मेरा आंसर है यहाँ पर क्या? सॉरी, मेरा जो पहला है वो नॉट करेक्ट है। अगर पूछता कौन सा करेक्ट है तो मैं कहता बी, टू ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए अगला सवाल देखा जाए। प्रेसिडेंट नोट टू ऑर्डिनेंस टू अमेंड बैंकरप्सी कोड। पहला सवाल, कंसीडर द फाइनेंस रिगार्डिंग द बैंकरप्सी कोड 2016। द कोड द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अप्लाइज टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स। दोस्तों, ये जो IBC है, ये कंपनीज पर अप्लाई होता है और इंडिविजुअल्स पर अप्लाई होता है। दोनों के लिए अलग अलग बॉडी हैं। एनसीएलटी और DRT है, समझ रहे हैं? तो ये जो IBC है वो पब्लिक सेक्टर बैंक पर अप्लाई नहीं होगा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर अप्लाई नहीं होगा, उनके लिए अलग बिल लाया जा रहा है। फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017। इट सीक्स टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग बैंकरप्सी इन फाइनेंशियल फर्म्स। बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, उनके लिए जो IBC होगा वो पब्लिक सेक्टर बैंक पर अप्लाई नहीं करेगा। मेरा पहला गलत हो गया। इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू ऑथराइज द RBI टू क्रिएट अ पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों, इसे IBC के अंतर्गत लिंक नहीं किया गया है, इसे IBC के अंतर्गत ऑथराइज नहीं किया गया है। मेरा सेकंड गलत है। मेरा आंसर क्या है? डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट। ये हो गई बात। अगला सवाल, मोर सीट्स फॉर जो सिक्किम असेंबली है उसके लिए। एज पर आर्टिकल 371F ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सा है जो गलत है? द सिक्किम असेंबली इज टू कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर्स। क्या गलत है? नहीं जी, बिल्कुल सही है। वन सीट अलॉटेड टू सिक्किम इन द लोकसभा। काफ़ी छोटा राज्य है, इसे एक सीट मिली है। मेरा सेकेंड सही है। द होम मिनिस्ट्री इज empowered to provide for the number of seats in the assembly। नहीं, गृह मंत्रालय नहीं है, क्या बात करते हो? जो पार्लियामेंट है ना, डैट इज empowered। जो पार्लियामेंट है केवल वही empowered है सिक्किम की सीट्स घटाने बढ़ाने के लिए। घटाएगा, जैसे कि इसको तो अभी तक एक तो मिला ही है, आप क्या जीरो कर दोगे क्या? मेरा सी है जो गलत है, पूछ कर रहा था कौन सा इनकरेक्ट है। मेरा सी है आंसर, जो डी है वो सही है दोस्तों। तो ये थी बात। With reference to Global Conference on Cyberspace, GCCS, बातें हैं दो। The aim is to promote the importance of inclusiveness and human rights in the global cyber policy। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है।
इंडिया होस्टेड द कॉन्फ्रेंस फॉर द सेकेंड टाइम, नहीं पहली पहली बार हम लोग होस्ट कर रहे हैं, मेरा सेकेंड है जो गलत हो गया। आंसर क्या है? आंसर है मेरा ए, वन ओनली इज करेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का, आपको कैसे लगा भाई हम बताइए। अब दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।